हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज हम बनाएंगे फरा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सी जार, और इसमें हमने दाल को रात भर भिगो दिया था। तो इसमें हम दाल डाल देंगे, जो हमने रात भर दाल को भिगोया था। तो हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से फूल गई है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 1 इंची अदरक का टुकड़ा, 3 मिर्ची, और इसे डाल के मिक्सी में फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मिक्सी में चला लिया, इसका फाइन पेस्ट बन गया। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। और अभी हमारे पास और भी दाल बची है, तो उसे भी हम मिक्सी में डाल के उसका भी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास दाल बची हुई है, उसका भी हमने फाइन पेस्ट बना लिया। तो यहाँ पे दाल हमने ले ली है पूरी। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीरा पाउडर हमने ऐड की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे नमक ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम हाथ का यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम चम्मच से ही इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि हमने दाल का फाइन पेस्ट बनाया था। तो इसलिए मिक्स होने में कोई वो नहीं होगा। आप चाहें तो अच्छे से इसे हाथ, मतलब ये हाथ लगाने से दाल हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, हमारा फारा का जो मसाला होता है दाल, उस रेडी हो चुका है डो। अब हम चलते हैं आटा गूंथने के प्रोसीजर में। तो यहाँ पे ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने पूरा अच्छे से। तो हम यहाँ चलते हैं, हमारे ये डो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, पानी गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके आटा, और आटे को चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इतना ही आटा है जितना हमें यूज़ करना उतना। हमने तो गैस को हमने कर दिया है बंद, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब इसे हम थाली में निकाल लेंगे। थाली में निकालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की मदद से इसे मसल मसल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़े गर्म है, तो हमारे हाथ जलने का डर है। थोड़े गर्म लग रहा है तो हाथ में लग रहा है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लिया। और यहाँ पे देखिए, हम हाथों की मदद से इसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको पूड़ियों को थोड़ा सा टेढ़ा करके 1 चम्मच हम इसमें जो हमने डो बना के तैयार किया था दाल का, अब वो बना देंगे। और हाथों की मदद से ऐसे ऐसे भरते जाएंगे। तो ऐसे हम पूरा बना लेंगे एक एक करके। तो ऐसे ही हाथों की मदद से हम इसको रेडी करेंगे, और ऐसे ही फिर से इसमें हम डो भर देंगे। 1 चम्मच आपने लिया, और फिर हाथों के मदद से साइड से हम इसे ऐसे ही हल्का हल्का खुला ही रखेंगे हमें इसे, इसे पूरे पैक नहीं करने हैं। तो ये देखिए, हम ऐसे ही सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही सारे बना के रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं पिठा बनाने की तरफ। तो यहाँ पे हमने फारा तो बना लिया, तो अब हम पिठा बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे हाथों के मदद से हम छोटे छोटे पिठा बचपन में हम लोगों ने बहुत खाए होंगे, तो ये हमारे घर बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी मम्मी उम्मी बना देती थी, तो बचपन में हम लोग इसे लेके खूब खाते थे। तो अभी तो हम खुद ही बना रहे हैं, तो हमने सोचा आपके साथ हम इसकी वीडियो शेयर करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करके पूरा फारा बना लेंगे।
हमारे यहाँ इसे फारा भी बोला जाता है, पीठा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने गैस पे छन्नी रख दी है और उस पे हम इसे एक करके डाल देंगे। यहाँ पे देखिए एक बार में हमें 8-10 ही डालना है, जितना उसमें हो सके उतना ही डालिएगा, नीचे ऊपर मत करिएगा। और ये जो हमारे पीठा हमने बना के रखे उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ पे हमने ढक दिया है और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये हमारे फारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो आइए फारा एंजॉय करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है हमारा फारा और हमारे खाने वाले भी वेट कर रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है तो जल्दी जल्दी हमें बनाना पड़ा। तो हमारे हस्बैंड, बच्चे सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी हम इन्हें सर्व भी करेंगे। और ये देखिए ये कम इंग्रेडिएंट मतलब कम चीज़ों से बनने वाला सबसे अच्छा टेस्टी फारा बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग फारा को इंजॉय